अब कैसा लग रहा है लड़ी सिंगम की को? तुम तीनों, तुम चारों भाइयों ने मुझे इस ग्रेवयार्ड में बंद कर दिया था ना, दफन कर दिया था ना। अब तुम चारों भाई की बारी है। बहुत सही किया है मैंने लड़ी सिंगम की को, सिबा और सिंचान को किडनैप करके। आज मैं बदला लूंगी इन चारों भाइयों को, उसी कब्र में दफन करूंगी और मार दूंगी। बाप रे बाप, हमें छोड़ दे किराने छोड़े, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमें घर जाने दो। अरे अरे किराने छोड़े, तुमने तो हमारी बहुत पिटाई की है, हम लोग तो ठीक से उछल भी नहीं पा रहे ना उठ पा रहे हैं। छोड़ दो हमें किराने, हमें घर जाने दो। अरे बाप रे, मेरा तो टांग ही तोड़ दिया इस किराने चुड़ैल ने। घर जाना है मुझे, घर भेज दो प्लीज, हमें छोड़ दो ग्लानी चुड़ैल। अब कैसा लग रहा है कीको? बहुत मुंह चल रहा था ना, अब बता सिबा। अब नीचे जमीन में पड़ा हुआ है अधमरा होकर लिटिल सिंगम। लिटिल सिंगम की तो हालत खराब हो गई है, इसको मैंने इतना पीटा है, इतना पीटा है, अब चारों के चारों भाई नहीं उठ सकते। अरे ग्रैनी, मुझे पकड़ लो, मेरे भाई लोगों को छोड़ दो, ये लोग बहुत बीमार हो चुके हैं, तुमने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है कीको, सिबा और सिंचान को, ये लोग तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, मुझे पकड़ लो, मेरे साथ जो करना है तुमको करो, पर मेरे भाई कीको, सिबा और सिंचान को छोड़ दो, ये लोग बच्चे हैं, प्लीज छोड़ दो, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तुम चारों भाइयों को मैं इसी कब्र के अंदर दफन करूंगी, इसी कब्र के अंदर मुझे पीट पीट के उस लिटिल सिंगम ने बंद कर दिया था ना। अब मैं उस लिटिल सिंगम की को, सिबा और सिंचान को डाल दूंगी इस कब्र में। अरे ग्रैनी बहन, जल्दी से इन चारों भाइयों को उस गड्ढे में फेंक देते हैं और बहुत सारा मिट्टी फेंक देते हैं, इनके ऊपर जिंदा गाड़ देंगे। ये लोग आप लोग आपको किडनैप करके लाए थे ना, अब इनकी हालत हम लोग बुरी कर देंगे। अरे गिरानी, ऐसा मत करना प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो हमें, हम पे रहम करो गिरानी चुड़ैल, हमें घर जाने दो प्लीज। अरे गिरानी, अरे बापले, मुझे क्यों मारी हो बदबूदार चुड़ैल, अरे बापले भूतनी, छोड़ दे मुझे, मर गया। अरे गिरानी छोड़ दे मेरे भाई कीको को। आप चारों के चारों भाई मरेंगे, मैंने किडनैप करके बहुत अच्छा किया है लेडी सिंगम कीको, सिबा और सिंचान को, अब चारों भाइयों को अपने हाथों से मारेंगे और उस कब्र के अंदर दफने कर दूंगी। अरे गिरानी प्लीज, हमें एक मौका दो, एक मौका दो। कौन सा मौका चाहिए बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुन लो, आखिरी ख्वाहिश क्या है लेडी सिंगम तेरी? अरे ग्रैनी, मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम एक गेम खेलो, तुम और सारी की सारी कलरफुल ग्रैनी। अगर अगर इस हाइड एंड सीक में मैं जीत जाऊँगा ना, तो मुझे और मेरे भाई लोगों को आजाद करना पड़ेगा। अगर अगर मैं हार जाऊँगा ना, तो तुमको जो भी करना है हमारे साथ तुम कर सकती हो ग्रैनी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज़ इसको इनकार मत करो तुम। ठीक है लेडी सिंगम, जल्दी से जा और काउंटिंग कर, हम सभी के सभी बहन छुपेंगे और फटाफट से तू आजा काउंटिंग करके, आज तो तुझे हरा कर रहूंगी। अरे गाइस, अब यही आखिरी मौका है गाइस, अगर मैं ये हाइड एंड सीक नहीं जीत पाया ना, तो ये ग्रैनी हमें पीट पाट के गाइस उस गड्ढे के अंदर दफन कर देंगी इस ग्रेवयार्ड में, फिर हम कभी भी जिंदा नहीं हो पाएंगे गाइस, वो हमें मार डालेगी, जिंदा गाड़ डालेगी उस ग्रेवयार्ड के अंदर। अब लेडी सिंगम के भाई कीको, सिबा, सिंचान, कान खोल कर सुन लो, हम सभी के सभी ग्रैनी छुपने वाले हैं, अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की ना, तो इस स्नाइपर से सर को फोड़ दूंगी हेडशॉट मार के। हले बाबले, मैं तो बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, मेरी तो टांग ही तोड़ दी है, अब तो मैं उठ भी नहीं सकता। अरे बाप रे, अब मुझे छुपना पड़ेगा जल्दी से। अरे यार, कहाँ पे छुपूं? अरे एक काम करती हूँ, झाड़ी के अंदर छुप जाती हूँ, मजा आएगा, यहाँ पे छुपी रहूंगी, लेडी सिंगम ढूंढ ही नहीं पाएगा, नूबड़ा कहीं का। अब मैं छुपूंगी, मैं हूँ येलो ग्रैनी, आज तो मैं ही जीतूंगी, पीछे से उस लिटिल सिंगम को धप्पा दे दूंगी। एक काम करती हूँ, इस कब्र में सो जाती हूँ और किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई इस गड्ढे में छुपा हुआ है, क्या मस्त जगह।
थोड़ी सी नींद भी कर लेती हूँ। ये लो ग्रानी, तो उस कब्र के अंदर ही सो गई है। क्या मस्त जगह मिली है उसको। अब मैं छुपूंगी, मैं हूँ ग्रीन ग्रानी। अरे बाप रे, भागो भागो भागो, कहाँ पे छुपो कहाँ पे छुपो, कोई जगह मुझे देख क्यों नहीं रही है। यहाँ पे छुपी रहती हूँ, ये जगह सही लग रही है, इस पे किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अरे अब मैं छुपूंगी, मैं हूँ पिंक ग्रानी। अरे यार जल्दी से छुपना पड़ेगा, इस छुपन छुपाई में तो मैं प्रो हूँ प्रो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हेलो बाबले गाइस, देखो ना ये सारी की सारी ग्रैनी चुड़ैल छुप रही है। पता नहीं मेरे लिए सिंगम भैया जीत भी पाएंगे या नहीं। गाइस अगर आप लोग चाहते हो मेरे लिए सिंगम भैया जीत जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अली बाबली ये पिंक ग्रैनी भी छुप गई, गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं हूँ ब्लू ग्रैनी, अब मैं छुपूंगी। बाप रे बाप, ये ब्लू ग्रैनी भी छुपने के लिए ढूंढ रही है जगह। पता नहीं क्या होगा अगर लेडी सिंगम भैया हार गए यार, तो ये ग्रैनी लोग हमें खा जाएगी या तो कब्र में दफन कर देगी। बहुत डर लग रहा है मुझे तो। मैं हूँ स्काई ग्रैनी, अब मैं छुपूंगी। मैं सबसे चालाक और प्रो भी हूँ, मुझे तो वो लेडी सिंगम बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा इस ग्रेवयार्ड में। ऐसी जगह पे छुपूंगी, किसी की नजरों में आऊंगी ही नहीं। और उस लेडी सिंगम को पीछे से धक्का दे दूंगी और वो हार जाएगा, आउट हो जाएगा। अब मैं छुपूंगी, मेरी सारी की सारी ग्रैनी बहन छुप चुकी है, अब बस मैं ही बची हूँ। कहाँ पे छुपू कहाँ पे छुपू, अरे बाप रे यहाँ पे छुप जाती हूँ, ये जगह सही लग रही है, यहाँ पे तो लेडी सिंगम मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। हेलो गाइस, ये ग्रैनी चुड़ैल भी छुप गई है, अब क्या होगा। ये लोग तो बहुत चालाक निकले गाइस, बहुत ही सही सही जगह पे छुपे हैं, पता नहीं लेडी सिंगम भैया ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। अरे गाइस देख सकते हो, मैंने एक गन निकाल लिया गाइस, बहुत मुश्किलों से मैंने एक गन ढूंढ के निकाला, और जो भी है पकड़ा जाएगा ना उसको मैं गन से शूट कर दूंगा। तो देखते हैं गाइस सभी लोग कहाँ पे छुपे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, अगर मैं हार गए तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। सिपा की को तुम ठीक हो ना। अरे लेडी सिंगम भैया मेरी तो टांग ही टूटी है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ ना बैठ पा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस एक बार ये हाइड एंड सीक जीत जाओ ना, मैं तुमको सही कर दूंगा, घर लेकर जाऊंगा, डॉक्टर दिखाऊंगा। अरे अरे गाइस यहाँ पे देखो, ग्रीन ग्रैनी छुपी हुई है। ओ भाई साहब, तूने मुझे देख लिया, मर गई। ओ भाई देख सकते हो गाइस, ये ग्रीन ग्रैनी मर चुकी है। अब चलो बाकी के ग्रैनी लोगों को ढूंढते हैं, इस तरफ भी देख लेता हूँ गाइस, हर जगह ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये लोग बहुत ही चालाक साथी रहे गाइस, कभी भी कहीं पर भी छुप सकते हैं। और ये देखो गाइस, पिंक ग्रैनी तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले हेडशॉट मार दिया गाइस मैंने तो पिंक ग्रैनी को, मजा ही आ गया। अरे बाप रे, मेरे लेडी सिंगम भैया ने तो ग्रीन ग्रैनी और पिंक ग्रैनी को भी ढूंढ लिया है। लगता है मेरे लेडी सिंगम भैया जीत जाएंगे। अलीशिनचान कुछ भी हो सकता है, लेडी सिंगम भैया हार भी सकते हैं, क्योंकि वो बाकी के ग्रैनी बहुत ही खतरनाक खतरनाक जगह पे छुपी है। अरे बाप रे गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे लेडी सिंगम भैया जीत जाए। हमें किडनैप करके वो ग्रैनी लेकर आई है, मुझे लेडी सिंगम भैया और कीको सिबा सभी को। गाइस मैं कीको हूँ ना, सभी को किडनैप करके लेकर आई ग्रैनी चुड़ैल। अरे ये देखो, और एक ग्रैनी मिल गई। अब तू गई ग्रैनी, तूने बहुत बुरा किया मेरे भाई लोगों के साथ, मेरे साथ कितना पिटाई की थी गाइस इसने, बहुत ही ज़्यादा हमें पीटा था। चलो इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है, मर चुकी है ग्रैनी। पर गाइस इन चुड़ैलों का कोई मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, ये लोग फिर से जिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच लोग दोस्त है गाइस, तो इनके दोस्त लोग आके इनको फिर से जिंदा कर सकते हैं। पर जिंदा हो या कुछ भी हो गाइस, हमें क्या यहाँ पे जल्दी से हाइड एंड सीक को जीत के यहाँ से निकलना है। और रेड ग्रैनी को भी मैंने मार दिया गाइस, ये देखो रेड ग्रैनी तो इस जंगल के अंदर छुपी हुई थी, कितनी चालाक है गाइस, ये बहुत ही सातिर निकली थी। ये देखो गाइस इसको मैंने मार दिया, अब देखते हैं बाकी के ग्रैनी कहाँ पे है। अरे लेडी सिंगम भैया जल्दी से सबको ढूंढो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहा फुटबॉल खेल रही है। अरे ढूंढ रहा हूँ ना सिंचान, मैं भी थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है जोर की। अरे यार वो ग्रैनी लोग कहाँ पे छुपी है।
अरे लिटिल सिंगा भैया, लगता है हम लोग हार जाएंगे। आज तो हम लोग पक्का मरेंगे। वो लोग हमें मार डालेगी और कब्र के अंदर दफन कर देगी लिटिल सिंगा भैया। अब क्या होगा हमारा? अरे कीको थोड़ा सा रुको ना, मैं ढूंढ लूंगा सबको, पूरा कोशिश कर रहा हूँ ना। अरे ये क्या, यहाँ पे तो ये येलो ग्रैनी छुपी हुई है, इस कब्र में सो गई है। कितनी चालाक है गाइस। अरे भाई ये रही, इसको तो मैंने गोली मार दिया, शूट कर दिया गाइस। चलो ये ग्रैनी भी अब खत्म हो गई है। ऑलमोस्ट मैंने सभी ग्रैनी को ढूंढ लिया, एक या दो ग्रैनी बची है, बस एक ही ग्रैनी बची हुई है गाइस। आई थिंक स्काई ग्रैनी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं गाइस वो कौन से जगह पे छुपी है, आसमान खा गया या जमीन निगल गया, कहाँ पे छुपी है स्काई ग्रैनी? अब क्या होगा? अरे ये देखो ब्लू ग्रैनी। अरे भाई ब्लू ग्रैनी को भी तो मैंने नहीं ढूंढा था गाइस। और ये ग्रैनी बस बची है स्काई ग्रैनी, और ये ब्लू ग्रैनी को मैंने ढूंढ लिया। बहुत सही हुआ गाइस, चलो इसको तो मैंने शूट कर दिया है। अब स्काई ग्रैनी को ढूंढते हैं गाइस, बस एक ही ग्रैनी बची हुई है, किसी भी हाल में उस ग्रैनी को ढूंढना पड़ेगा गाइस, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। अगर वो ग्रैनी मुझे पीछे से धप्पा दे दी ना तो फिर मैं हार जाऊंगा गाइस। अब क्या होगा लेडी सिंगा भैया, अच्छे से ढूंढो। अरे ढूंढ रहा हूँ ना, पर पता नहीं कहाँ पे छुपी है वो स्काई ग्रैनी। बहुत ही चालाक और शातिर है वो तो। अरे यार इधर भी नहीं दिख रही है गाइस, चलो इस तरफ जाता हूँ। कहाँ पे गाइस, क्या आप लोगों को दिख रहा है या नहीं? अगर स्काई ग्रैनी आप लोगों को दिख रहा है गाइस तो कमेंट सेक्शन में बोल दो कहाँ पे वो छुपी हुई है कमबख्त की। और गाइस ये देखो स्काई ग्रैनी मिल गई, पेड़ के पीछे छुपी हुई है। ओ भाई इसकी तो मैंने बैंड बजा दी गाइस, मजा ही आ गया। तो गाइस फाइनली मैं ये हाइड एंड सीक जीत चुका हूँ। तो मुझे कीको को और सिबा को सिंचैन को इस ग्रैनी ने किडनैप किया था ना गाइस, अब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। ये देखो गाइस हम लोग अब आजाद है, क्योंकि मैंने सारी ग्रैनी को मार दिया है, शूट कर दिया, और मैं ये जीत चुका हूँ। अरे मेरे लिटिल सिंगम भैया जीत गए। अरे लिटिल सिंगम भैया अब मैं उठ जाऊंगा देखना। अरे उठ जाओ केको भैया। अरे लिटिल सिंगम भैया आपने तो कमाल ही कर दी। अरे थैंक यू सिबा। सो गाइज ये हाइड एंड सीक हम लोग जीत चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइज, क्योंकि ये चुड़ैल अगर जिंदा हो गई ना दोबारा तो हमें तो मार ही डालेगी। और मुझे बहुत डर लग रहा है इस ग्रेवयार्ड में। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलो चलो यहाँ से भाग जाते हैं, जल्दी से कर जाते हैं। अरे हाँ लिटिल सिंगा भैया यहाँ पर रहना सही नहीं है, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, मर के भी बार बार जिंदा हो जाती है। घर चलो अब जल्दी से।